नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 9 नवंबर 2022 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन आपको सूझबूझ का परिचय देकर बिताने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपको लगता है नेगेटिविटी आ सकती है या आपको मेंटल टेंशन हो सकती है, उस एस्पेक्ट को, उस तथ्य को आपको आज के दिन ठंडे मन से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। एंग्जाइटी और स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखिए। कलेक्टिवली सूझबूझ के साथ पूरे परिवार के हित में, परिवार के साथ एक डिसीजन आप आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। वो निर्णय आपकी परिस्थितियों को और ज़्यादा पॉजिटिव करके जा सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। मन को शांत रखिए। कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी हुई है, इससे और बेहतरी हो सकती है। एक्सपेंशन के दायरे में आप ऑलरेडी चल रहे हैं। सूझबूझ का परिचय दीजिए, पॉजिटिविटी को इम्ब्रेस करिए, मन को थोड़ा प्रबल करिए, सक्षम करिए, सबल करिए। साथ ही साथ आज के दिन अध्यात्म का सहारा भी ले सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल इंटोटैलिटी आपके लिए पॉजिटिविटी आ सके। साथ ही साथ जो लोग सरकारी सर्विस की प्रिपरेशन या किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वहाँ पर परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। पॉजिटिविटी बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, सब तरफ से आप अपने लिए अच्छी परिस्थिति एक्यूमुलेट कर पाएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद, गुरुओं का सानिध्य बना रहेगा। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी आज के दिन टच कर सकते हैं, या कोई ऐसा आपको इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा टास्क मिल सकता है जो आज के दिन आपको पॉजिटिविटी देकर जा सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से अपने आप को बचाने का है। आज के दिन सोच समझकर लीगल एस्पेक्ट को सब तरफ से वेरीफाई करने के बाद ही किसी अग्रीमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें। खास तौर पे अगर वो रियल एस्टेट से संबंधित कोई निवेश या प्रॉपर्टी बेचने से संबंधित कोई मैटर अगर रिलेटेड है तो। साथ ही साथ आज के दिन कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, सूझबूझ का परिचय देने की ज़रूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, अनुकूलता कार्यक्षेत्र में आपके लिए भी बनी रहेगी, स्थिर सिचुएशन रहेगी। सेहत में सुधार होता हुआ देखेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप को और ज़्यादा प्रूफ करने के लिए आज के दिन आ सकती हैं। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। उच्च अधिकारियों का सानिध्य साथ या आज के दिन उनका प्रोत्साहन भी आपको काफ़ी आगे लेकर जा सकता है। मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पे भी आज के दिन आप विचार करते हुए या सिचुएशंस को पॉजिटिव करते हुए देख पाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए परिस्थितियां कार्यक्षेत्र में अनुकूल बनी रहेंगी, लेकिन पारिवारिक स्थिरता आज के दिन थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है। तो मन को शांत करिए, अपने आप को एकत्रित करिए, समेटिए, सजोइए अपने आप को एक साथ और समझिए कि कहां पर आपका एक्शन या आपका कर्म आपको करना चाहिए, कर्म करना चाहिए जहां से पॉजिटिविटी आप ला सकें। यानी कि आज के दिन आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। आज के दिन इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके द्वारा किए गए कोई भी महत्वपूर्ण स्टेप्स आपकी पारिवारिक स्थिरता को कहां पर लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन खान पान पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। पॉजिटिविटी बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, विचलित ना होइए, सब तरफ से आप अपने लिए एक्यूमुलेट कर पाएंगे स्थिरता। लोग आपके काम की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव साझा होगा। साथ ही साथ आज के दिन जो लोग इच्छुक हैं नया काम करने के लिए, उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी। एक्सपेंशन के दौर पर या दायरे में जो लोग जा रहे हैं वो आज के दिन अपने आप को इवॉल्व होता हुआ देख सकते हैं। कुल मिला के आज के दिन आपकी परिस्थिति आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। मन को शांत रखें, पॉजिटिविटी इम्ब्रेस करिए, आपको सब तरह से स्थिरता अपने संबंधों में भी देखने को मिल जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन सचेत रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को इम्ब्रेस करके चलने का है। मन आपका शांत है, वातावरण कार्यक्षेत्र की कहूँ, पारिवारिक स्थिरता की बात कहूँ, बिजनेस एक्सपेंशन अगर आपका है जिसके बारे में सोच रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, सब चीज़ आपके मन मुताबिक ही चल रही है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पर आज के दिन आपको काम करने की ज़रूरत है वो है आपके निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लाना या निजी संबंधों में कम्युनिकेशन पैटर्न को आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जिस तरह से, जिस ढंग से आप अपनी बात कहते हैं वो उसी ढंग, उसी परिवेश, उसी संदर्भ में वहाँ पर सामने वाले व्यक्ति के पास जाए, इस पर आपको आज के दिन काम करने की ज़रूरत है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए काफ़ी सफलता पूर्वक बीतने वाला है। सेकेंड हाफ के दौरान कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण सिचुएशंस आपके फेवर में आ सकती हैं। कुल मिला के पॉजिटिविटी आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिल सकती है। आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी।
बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से सचेत रहने की जरूरत है। छोटी मोटी चीजों में आपको स्ट्रेस आउट आप हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में पता है कहाँ से पॉजिटिविटी इम्ब्रेस करनी है। मन को शांत रखिए, आपके लिए सब तरफ से अनुकूलता बनी हुई है। वैचारिक तौर से बात करूं, व्यवहारिक दौर से बात करूं, दोनों ही तरफ से आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किया है। मैच्योर इंडिविजुअल के रूप में पिछले 8 महीने में आप काफ़ी ज़्यादा उभर कर आए हैं। अपनी मनस्थिति को समझते हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय या डिसीजन परिवार के हित में आज आप ले सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके चलने का है। आपके लिए भी आज के दिन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में स्थिरता और बनी रहेगी। नौकरी चेंज करने के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनके सामने कोई महत्वपूर्ण आज के दिन अपॉर्चुनिटी, अवसर, सूचना या संकेत आ सकता है जो आपकी परिस्थिति को और स्ट्रांग करके जाएगा। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से रुके हुए थे किसी महत्वपूर्ण निवेश को करने के लिए, अब आज के दिन वो परिस्थिति साकार होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आपके लिए सिचुएशंस पॉजिटिव बनी रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। कुछ खास आज के दिन नेगेटिविटी में देख नहीं पा रही हूँ, तो कुल मिला के सामान्यतः आज का दिन जाएगा। कहीं से भी कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन मूलतः सभी राशियों के लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है, तो आप भी उनमें से एक हैं। सूझबूझ का परिचय देते हुए काफ़ी ज़्यादा आज के दिन सबल सक्षम होकर महत्वपूर्ण निर्णयों को लेना है, चाहे वो परिवार के हित में हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर हूँगी। नमस्कार।